हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हो रही है घास की कटिंग। तो ये ना संडे का वीडियो है। संडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और वो ना कैंची से काट रहे हैं। वैसे तो खैर मशीन भी है। तो ये ना आप समझ लीजिए, आप ये घास की ना लास्ट कटिंग है। इसके बाद बहुत कम होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है। बरसात में बार बार हो जाती है ना, तो अब ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा बहुत ही होती है। तो इस बार ना इन्होंने मतलब मशीन से कम काटी है और कैंची से ज़्यादा काटी है, क्योंकि कैंची से ना अच्छे से कट जाती है, बिल्कुल बारीकी से और अच्छे से कट जाती है। और फिर एक बार मशीन मार के भी इन्होंने फिर दोबारा मतलब कैंची से काटा था और बहुत टाइम लग गया था। फिर वही था ना, संडे का दिन था तो आराम से हो गया था काम। तो बस ये लास्ट कटिंग थी इसकी। इसके बाद मतलब मे भी की जरूरत पड़े, मे भी ना भी पड़े। वैसे तो अब जरूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि अब धूप भी कुछ दिन बाद कम हो जाती है, ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है। और फिर एक टाइम पे सर्दियों में तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। खैर, तो हर साल ही ऐसा होता है। तो बस इसलिए ये इस टाइम पे अच्छे से काट रहे हैं। और फिर इसमें पता है नीचे से ना बहुत काई काई भी हो गया था। तो और कैसे हो आप सब लोग? तो कल रात को मतलब जो मैंने किचन क्लीन किया था ना, तो उसके बाद सारे बर्तन मैंने बाहर खिलाए थे। बच्चे ने आज बहुत हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि संडे है, सबके सब इकट्ठा हो गए। मतलब मेरी जिठानी का बेटा भी आ रखा है और सब हल्ला कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर माइंड भी होती है, वैसे बोल वीडियो हल्ला मत करो, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। और ये जो मैंने सारा यहाँ कल के लिए, अब मेरे बर्तन पड़े हैं दिन के, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि दिन के बर्तन हैं जो हमने दिन में खाना खाया था। और जो कल मैंने पूरा क्लीन किया था, देखिए पूरा मैंने क्लीन किया था, और ये भी पूरा क्लीन किया था, ये भी पूरा। मतलब अभी मेरा किचन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत क्लीन लग रहा है। और मेन जो मैंने ये बॉक्स क्लीन किया था, ये देखिए, तो मैंने सारा यहाँ पर सेट कर दिया है। और तो मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने पहले पूरा किचन क्लीन किया और उसके बाद फिर वीडियो का काम किया, तो बहुत टाइम लग गया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे बाहर में जो हमने घास कटिंग करी थी ना, तो वहाँ पे भी अच्छे से साफ़ हो गया है। अब मैं और भी दिखाती हूँ। एक तो मेरा ये वाला रूम देखें, ये वाला रूम तो मेरा बिल्कुल क्लीन हो रखा है, बिल्कुल साफ़ है। फेस नहीं आ रहा बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है। और वाला रूम में भी आपको दिखाती हूँ इन्होंने क्या हाल कर रखा है। संडे के दिन यही होता है ना, अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये हाल कर रखा है इन्होंने संडे के दिन। ये देखो, ये हाल है इनके। और संडे के दिन बच्चे यही आता, हाँ मुँह क्या छुपा रहा है, ये देखो सबसे बदमाश बच्चा ही है। ये देखो, जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो भी सतानी कर रहे हैं, तो छोटों ने तो कर ली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कल घास, कल नहीं सॉरी, आज मॉर्निंग में घास कटिंग करी थी, तो धूप अच्छी हो रही है ना, तो अच्छे से सूख गया है आपने, पूरे में अच्छे से सूख गया है। और पता है इसमें भी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, कटिंग करनी ज़रूरी इसलिए और की थी, नीचे दिखाऊंगी। इसमें सारा देखो काई काई सा हो गया, देखो दिख रहा होगा ना आपको, ये काई वाली घास हो रही थी, तो बस अब इसको कटिंग कर दिया। तो इसमें थोड़ी अच्छे से धूप लग जाएगी, सूख जाएगा, तो उसके बाद शायद इसमें बजरी डालेंगे, तो बस इसलिए इसमें कटिंग कर लिया। और अच्छे से बहुत कटिंग हो गई, देखो इतना सुंदर लग रहा है। देखो यहाँ पे सारे में कटिंग कर दी है, और इधर आज दीदी ने भी सारी सफाई कर ली है। तो यहाँ पे मेरी जेठानी ने भी कर दी थी सफाई। तो जो उससे पहले जैसे यहाँ पे मिर्च थी, भिंडी के पेड़ थे, तो वो सब अब मतलब हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे, तो यहाँ पे सफाई कर दी थी। और यहाँ पे देखो बेल कितनी सुंदर लग रही है, गुलाब के फूल, बस यही सब ले रही थी मैं, दिखा दी। तो अब यहाँ पे कुछ और बोएंगे, तो ये बेल ऐसे करके दीदी ने चढ़ा रखी है ये, और साइड साइड में गुलाब के फूल लगा रखे हैं, तो जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे और मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आज के बाद बारिश नहीं हो रही है, तो सब सूख चुके हैं, तो आज शाम को साथ में से पानी भी डालूं, बिल्कुल सूख गया है। तो क्या आप तो देखूंगी इनकी जगह चेंज कर दूंगी, क्योंकि तो बरसात में तो ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो सीलन की वजह से भी ख़राब हो रहे थे, वाल तो बिल्कुल सूख गया है। तो उसमें अच्छे से मैं पानी डालूंगी और देखूंगी। मैं कब से सोच रही हूँ, मैं इसमें बोल भी रही थी आप लोगों को, दाल मारूंगी मारूंगी, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है ना, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब पानी डालूंगी और कुदाल मारूंगी, तो ये सब सूख भी रहे। तो चलिए कब देखते हैं। और यहाँ पर डाली हुई है मैंने दाल, यहाँ पे दाल डाली हुई है सुखाने के लिए। उसके बाद शाम को यहाँ पे मैं डालने लगी थी पानी, लेकिन जब मैं पानी डाल रही थी ना, तो मैंने देखा ना फूल मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे थे। तो फिर दूसरे दिन मैंने मॉर्निंग में इनका काम अच्छे से ही किया था,
तो अभी आप आगे वीडियो में देखना मैंने क्या क्या किया है। जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे उन्हें मैंने अलग करके, मतलब होता है ना, जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे उनको मैंने उखाड़ दिया था और कुदाल से अलग कर दिया था। यहाँ पे मुझे बनानी है आज छेम की सब्जी, ये देखिए। तो आलू और छेम की सब्जी बनाऊंगी मैं, और जो ये छेम है ना, ये हमारी घर की है, मतलब तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, कोमल सी है, और इसकी सब्जी ना बहुत अच्छी बनती है। और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी दही वाली लौकी। तो ये लौकी, खैर ये तो मार्केट की है क्योंकि अब घर की लौकी तो है नहीं। घर की लौकी वैसे हमने बहुत खाई है, लेकिन अब घर की लौकी खत्म हो चुकी है। और आज जो छेम है हमारी घर की है, तो आलू और छेम की सब्जी बनाऊंगी मैं। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा रखी है चाय, और मुझे बनाना है बच्चों के लिए पॉपकॉर्न। तो बस फटाफट से, और टाइम अभी ना 6:30 हो रहा है, लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो बस वही है, दिन ना छोटे हो गए हैं, 6:30 बजे को बिल्कुल अंधेरा हो जा रहा है और बाहर अंधेरा हो गया। तो फटाफट से मैंने चाय चढ़ा ली है और पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, बच्चों को पॉपकॉर्न दे दूँगी और चाय वाय पी लेंगे। तो ये आज क्योंकि आज संडे है ना, तो वैसे तो और दिन में शाम को कभी चाय बनती है कभी नहीं बनती, तो आज संडे तो एक बार की चाय तो पी चुके हैं 4:30-5 बजे लगभग, और ये दूसरी बार की शाम की चाय है। फिर अब एक तो सर मतलब हल्का फुल्का, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का ठंडा भी होने लग गया है। तो बस वही है कि चाय का मौसम भी आ गया है, तो बस फटाफट से चाय बना लेते हैं, पॉपकॉर्न बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये लड़की क्या कर रही है, ये अपने बाल सेट कर रही है। हेलो बोले, ये है मेरी जिठानी की बेटी, और ये कर रही है यहाँ अपने बाल सेट, बस इनका यही काम रहता है। और उसके बाद यहाँ पे रात को बना रही हूँ मैं आलू और छेम की सब्जी। तो अभी मैंने आपको दिखाई थी छेम जो घर की है और बारीक बारीक कटी हुई है, तो मैं इसे सरसों के तेल में बनाऊँगी, सरसों के तेल में, और जीरे का मैंने तड़का लगा लिया है। और सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी लगती है, और सरसों का तेल ना मैंने थोड़ी ज़्यादा भी डाला था। और यहाँ पर मैं मतलब जो ऐड जो है इसे ऑन कर रही थी, तो देखा उधर से मैंने बटन ही ऑन नहीं कर रखा था, फिर मैंने पहले बटन ऑन किया फिर इसे चलाया। तो फिर आलू को पहले मैं हल्का सा पहले आलू को ही पकने दूंगी, अच्छे से आलू को भून लूंगी, और जब आलू थोड़े से अच्छे से भून गए थे तो उसके बाद मैंने जो छेम काटी थी वो डाल ली थी। और इसको ना अभी मैं ढकूंगी नहीं, वैसे आपने मोस्टली देखा होगा जब भी मैं सब्जी बनाती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ। तो इसे मैं पहले बिना ढके ही अच्छे से थोड़ी देर चला लूँगी, भून लूँगी, और जब ये अच्छे से भुन जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने लौकी रखी है कट करने का, ये देखो मेरे बर्तन पड़े, किचन में बर्तनों का ऐसा काम होता है ना, हर मिनट में बस बर्तन ही बर्तन हो जाते हैं। और टमाटर मैंने मतलब पीसे नहीं थे, बारीक बारीक कट कर लिए थे, और इसमें सारे मसाले जैसे जो भी होते हैं नॉर्मली, नमक मिर्च हल्दी मसाला, वो सब डाल लिया। और सब्जी को ना मैंने भून भून के बनाया, और अच्छी बन जाती है, बहुत टेस्टी भी लगती है। तो ये भून मतलब ढका लिया है, और यहाँ पे देखिए सब्जी मेरी भुन चुकी है और अच्छे से पक भी गई थी, और बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम लगता है। और नाश्ते में बनाएंगे आप तो नाश्ते में पराठों के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस ये था मेरी सब्जी का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही टेस्टी हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पे ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का मेरा। तो मैंने आपको बोला था ना, मैंने मतलब जब शाम को गमलों में पानी डाल रही थी तो मुझे लगा नहीं कि मतलब अभी इनमें पानी डालने की, पानी डालने की तो ज़रूरत थी, पर कुछ ख़राब से हो चुके थे। तो बस ये दो तीन जो ये थे ना, बारिश की वजह से ये गमले बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। बस तो मैंने आप लोगों को पहले कहा था मुझे इनमें पेंट करना है, लेकिन जो थोड़ा बहुत किया था वो भी उतर गया था। तो अभी कुछ टाइम बाद मैं देखूँगी करूँगी शायद, थोड़ा भी फ़िलहाल बिजी नहीं, ऐसे कुछ किसी कारण से हम बिज़ी हैं, क्यों बिज़ी हैं वो आगे आपको मतलब मेरे वीडियोस में पता चल जाएगा। तो बस इसी कारण से कुछ काम हो नहीं पा रहे हैं, रुके हुए हैं। तो धीरे धीरे आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो आपको सब पता चल जाएगा। तो बस यही है, थोड़ा बहुत मैंने धो लूँगी। और जो मतलब गमले बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे वो मैंने छत में रख लिए थे, जिनके फूल बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे तो वो मैंने हटा दिए थे, और उनमें मैं कुछ दिनों में नए पौधे लगाऊंगी। और यहाँ पे इसकी कर ली थी आज मेरे हस्बैंड ने सुबह कटिंग, तो कटिंग करके बहुत सुंदर लग रहा था, वरना फैला फैला सा हो रहा था। और इसमें देखो कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। तो बस वही है, जो अच्छे अच्छे पेड़ थे वो मैंने
अच्छे से धो के सीढ़ियों में लगा लिए थे। जो थोड़ा बहुत ठीक थे वो मैंने अभी फ़िलहाल छत में रख लिए हैं, और जो बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे तो मैंने अभी खाली कर दिए हैं। तो सर्दियों में उनमें मैं नए पौधे लगाऊंगी। तो बस ये काम चलता रहता है, और आज मेरा बाहर का बहुत ज़्यादा काम हो गया था। आधा काम तो मैंने आपको दिखाया भी नहीं है, बहुत शॉर्टकट में दिखाया। आंगन को भी धोते हुए बहुत शॉर्टकट में दिखाया, और इससे पहले मैंने गेट के बाहर भी कुछ पौधे लगाए थे। जो मैंने अभी आपको गमला दिखाया ना कटिंग करते हुए, तो इसी टाइप के कुछ पौधे और अलग से भी पौधे मैंने गेट के बाहर अपने लगाए थे। और बस उसी काम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और उसके बाद मतलब 1-1.5 घंटे से ऊपर मुझे बाहर का काम करते हुए लग गया था। और धूप भी बहुत हो रही थी, सुबह शाम तो ठंड है लेकिन धूप अभी बहुत तेज़ है। तो बस इस तरह से मैंने लगा लिए थे, और अभी मुझे सीढ़ियों की धुलाई भी करनी है। तो बस मैंने गमले ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज कर लिए थे, इससे इनके नीचे जो दाग दाग से आते हैं ना, तो वो मुझे धुलाई भी करनी थी। तो मैंने सारा ही काम एक साथ कर लिया था। तो बस फटाफट से जब मैंने यहाँ पे ये गमले वमले सेट कर दिए, उसके बाद आ गई थी मैं आंगन की धुलाई करने के लिए। और सबसे पहले मैंने धुला था गेट, क्योंकि गेट में भी धूल धूल हो रही है, क्योंकि बस अब बता नहीं सकते क्योंकि अब बारिश बंद हो गई। तो धूल का तो ऐसा है कि बस दोनों तरफ, एक तो रोड है और बहुत ही ज़्यादा धूल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं हल्का हल्का इस पर हाथ मार रही हूँ, और फिर मैंने गेट की कर ली थी अच्छे से धुलाई। और सारा आंगन मैंने धुल लिया था, और सीढ़ियाँ भी धुल रही थी। बस मैंने लास्ट में ही थोड़ा सा क्लिप लिया उसके बाद, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मुझे आज मतलब हो जाता है ना, हम लगने के लिए तो लग जाते हैं, होता है ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो कर लें, लेकिन उसके बाद बहुत थकान भी हो गई थी, और प्लस मेरी ना एलर्जी भी सी हो गई थी, क्योंकि धूल का धूप का सारा काम हो गया था एक साथ, तो मेरी ना फेस पे एलर्जी सी भी हो गई थी। तो बस वही है, काम में तो लग जाते हैं, काम करते समय पता नहीं चलता है और फिर बाद में पता चलता है, लेकिन निपट गया था, और काम निपटने के बाद बहुत खुशी भी होती है। बस वही था। हेलो, तो आज मैंने ना सुबह मॉर्निंग में थोड़ा बहुत बाहर सफाई वफाई करी, क्योंकि ना बाहर हो रखा था काम करने के लिए। थोड़ा बहुत हमने कल करी थी, और थोड़ा बहुत आज करी, थोड़ा आंगन की धुलाई करी जैसे गेट पर। और अब जैसे बारिश कम होगी ना, तो धूल बहुत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। बस तो खैर धूल बहुत ही होती है, और अब बारिश बंद होगी तो धूल का बहुत ज़्यादा। आज तो धूप में बहुत ज़्यादा धूप सी भी थी, फिर पता नहीं चाहे या तो चींटी रही हो क्या रहा होगा, पता नहीं धूप के सही देखो ना एलर्जी से होगी। अभी खैर बहुत कम होगी, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा थी, वरना तो शायद मैं वीडियो का मुझे एंड करना था, शायद मैं दिन में ही कर लेती, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और हल्का सा यहाँ पर हो गया था, यहाँ हो गया था, लेकिन खैर अभी तो कम हो गया, बहुत कम हो गया अब तो। और इस जगह हो गया था, यहाँ मतलब 2-3 जगह रेड रेड सा हो गया था, और मैंने कहा लो पता नहीं क्या हो गया है। खैर वैसे हो जाती है मुझे मोस्टली, बहुत बार हो जाती है धूप में ना, हो जाती है एलर्जी तो। लेकिन जैसे टच ना करो या ज़्यादा खुजाओ नहीं, तो फिर नॉर्मली ठीक हो जाती है, दवाई नहीं खाती मैं कभी भी, नॉर्मली ठीक हो जाती है। हाँ बाई चांस कभी बहुत ज़्यादा ही हो जाए या बहुत परेशानी हो जाए तो वाली बात है, बस तो खैर मैंने कभी खाई नहीं है, नॉर्मली ठीक हो जाती है। बस आज थोड़ा बहुत गमलों की भी सफाई करी, बहुत ज़्यादा तो नहीं करी पर थोड़ा बहुत सफाई करी, थोड़ा बहुत जो मतलब बिल्कुल ही थोड़ा ख़राब से थे उनमें कुदाल मारी, और कुछ तो मैंने छत में ही रख दिए हैं जो थोड़ा अभी ठीक नहीं है, तो कुदाल उदाल मार के जब ठीक हो जाएंगे। और कुछ मैंने सीढ़ियों में रख दिए थे, बाहर भी मैंने आज 1-2 पेड़ लगाए थे गेट के बाहर, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, फिर थोड़ा अजीब सा लगता है गेट के बाहर ना, तो वहाँ भी लगाए, और आंगन वांगन की सफाई करी। और अब मौसम भी थोड़ा बहुत ना सुबह शाम, शाम को तो नहीं है लेकिन सुबह ना हल्का हल्का ठंडा होने लग गया, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का। यहाँ तक कि मैंने आज मॉर्निंग में ना अपने बेटे को स्वेटर पहना दी थी, क्योंकि हल्का हल्का ठंडा हो रहा था। फिर और कल जब मैंने उसे नहलाया था तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्की गर्म टी शर्ट होती है तो गर्म टी शर्ट पहनाई थी, और आज मॉर्निंग में उसे हाफ स्वेटर पहना ली थी, क्योंकि फिर शाम को उसके कपड़े चेंज करें, उसके दिन में ना 2 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, एक सुबह और एक शाम को। जैसे वो शाम को बाहर जाता है तो उसके बाद उसके कपड़े चेंज करने के लिए हो ही जाते हैं, और फिर वही, फिर बच्चे को अगर बाहर खेल रहा रोक टोक लगाओ तो उससे तो बेस्ट है कि चलो खेल ले, फिर अपने मन से जितना खेलना उसे खेल ले और फिर कपड़े चेंज कर लो, आँखें मेरी रेड रेड सी हो गई। तो बस वही है, और मॉर्निंग में उसे स्वेटर पहना ली थी, क्योंकि पता है जो ही अब मौसम चेंज हो रहा है ना, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है छोटे बच्चों का, सबसे ज़्यादा,
क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, और मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, टाइम से पहले ही स्वेटर पहना देती हूँ। और जब मौसम जैसे मार्च अप्रैल के टाइम पे जब ठंडा सर्दियाँ मतलब जाने को होती हैं, उस टाइम पे भी बहुत टाइम तक मतलब हाफ स्वेटर या हल्की गर्म टी शर्ट या हल्के कह सकते हैं आप इनर पहनाए रखती हूँ, क्योंकि फिर छोटे बच्चों के साथ ना बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों को ठंडा ना जल्दी पकड़ता है, और जो ये आती हुई सर्दी या जाती हुई सर्दी होती है इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चों को ज़्यादा देखभाल की जरूरत होती है इस मौसम के टाइम पे। तो बस वही सब है, वही सब है। और मैं भी स्वेटर वैसे जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ। एक बीच में तो जब बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से मॉर्निंग में हल्का हल्का ठंडा होने लग गया था, तो मैंने भी हाफ स्वेटर पहन ली थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती हूँ। फिर बर्दाश्त करने से बेस्ट है कि अपना कपड़े पहन लो, फिर वही है प्रॉब्लम हो तो उससे बेस्ट वही होता है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। और आजकल मेरा एक वीडियो दो दो दिन में पूरा हो पा रहा है, एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, बस ऐसे ही हो जा रहा है आजकल। तो यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।